नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो क्लास के अंदर। आज आप सीखेंगे फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। दोस्तों, फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर होता क्या है कि जैसे आपने कहीं कुछ पैराग्राफ या कुछ टेक्स्ट आपने लिखा और आप चाहते हैं कि उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो इसके लिए हम टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं। तो ये आपको मिलेगा कहाँ? ये आपको MS वर्ड में होम रिबन बार के अंदर, फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर आपको ये टेक्स्ट कलर आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करा तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, और आपने इस पर यहाँ जाएंगे फॉन्ट कलर पे। आपने इस पर अगर इसके बगल वाले छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा कलर है। आप जिस कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर कर दिया हमने ऑनलाइन को सिलेक्ट करके। यहाँ पर पेस्ट वर्ड है, मैं दोबारा से सिलेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर कुछ रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। मैंने इसका एम्बेडेड कलर पर क्लिक किया तो मैं अंदर गया, और यहाँ जाकर इसमें और मोर कलर भी है। आप इसे अंदर जाएंगे, जो भी आप अपने हिसाब से कलर देखना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने फिर एक नया वर्ड सेलेक्ट कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ना अपने हिसाब से कोई कलर बनाना है, तो मोर कलर में जाकर आप यहाँ पर कस्टम पर जाकर अपने हिसाब से कलर को बना सकते हैं। जो ये पॉइंट है, ये कलर को लाइट करने के लिए और ये डार्क करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये करंट कलर ब्लैक था, और हमने इसे न्यू कलर जो बनाया ग्रीन टाइप में। अब ग्रीन कलर ये पॉइंट जो बीच में दिखाई दे रहा है प्लस टाइप का, इसे जहाँ पे जिस एरिया में लेके जाएंगे तो न्यू कलर में आपको दिखाई देगा कलर बदलते हुए। यहाँ पे मैं लेके आया तो देखो, अब इसका कलर ग्रीन से पर्पल टाइप का हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, स्काई ब्लू, ग्रीन टाइप का, येलो टाइप का, रेड, जो भी हम कलर बनाना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। ये RGB कलर है, RGB में रेड ग्रीन ब्लू है। इसकी कोडिंग क्या होगी, कितना रेड हमने ऐड किया हुआ है, कितना ग्रीन है, कितना ब्लू, और यहाँ पर हमने जैसे क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है टेक्स्ट बदल गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हमने एक नया वर्ड और सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम क्लिक किया हमने, और यहाँ से हम और भी इसमें इफेक्ट ले सकते हैं टेक्स्ट के अंदर अगर हम लेना चाहें तो। या फिर आप इसे जैसे कोई वर्ड नया सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपको यहीं से भी है टेक्स्ट, आपको यहाँ से मिल जाएगा फ़ॉन्ट कलर, सारे ऑप्शन यहीं मिलेंगे। और मैं अगर से हटाना चाहता हूँ तो डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, आप यहीं से इसे डिफ़ॉल्ट कलर या ब्लैक कलर पर क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिक क्लिक कर सकते हो। मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ जाकर आप इस पर ही क्लिक कर देंगे तो सारा कलर नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय दोस्तों।